नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम कक्षा 12वीं के लिए जो अंतरा पुस्तक है उससे 12 मासा कविता को ले रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार हैं। और मैं आपको बता दूं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे और उन्होंने पद्मावत नाम का एक महाकाव्य रचा है। ये वही महाकाव्य है जिस पर हिंदी की एक बहुत विख्यात फिल्म भी बनाई गई है। तो चलिए अब मैं आपको इस कविता पर आधारित जो है वो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, शब्दार्थ, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसका पहला पद देखते हैं। अगहन दिवस घटा निसिबाढ़ी, दूभर रैन जाय किम गाढ़ी। अब यह विरह भा राती, जरों बिरह जस दीपक बाती। कांपे हिया जनावे सीऊ, तोपे जाय होय संग पीऊ। घर घर चीर रखे सब काहू, मोर रूप रंग ले लेगा नाहू। पलट न बहुरा गा जो बेदोई, अब हूं फिरे फिरे रंग सोई। बज अगिन बिरहन ही जारा, सुलग सुलग दगधे होई छारा। यह दुख दर्द न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु। पीसो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। सो धनी बिरह जर मुई, ते ही धुआं हम लाग। अब हम इसके कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ देखते हैं। अगहन का मतलब है अगहन का महीना। निसी यानी रात, दूभर यानी कठिन, रैन यानी रात, बिरह यानी वियोग, हिया यानी हृदय, सीऊ यानी शीत ठंड, पीऊ यानी प्री, लाहू यानी नाहू यानी नाथ, और छारा यानी राख। भस्मंतु भस्म करना राख से मतलब है। तो इसका संदर्भ समझ लें। ये हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा से 12 मासा शीर्षक कविता से लिया गया पहला पद है। इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अब इसका प्रसंग जान लीजिए। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का ही एक हिस्सा है। रानी नागमती अपने पति रत्नसेन के वियोग में व्याकुल हो रही हैं। रत्नसेन जब से चित्तौड़ छोड़कर गए हैं तब से वापस नहीं आए। वे जो है वो रानी पद्मावती के सौंदर्य की प्रशंसा उन्होंने एक हीरामन नाम के तोते से सुनी थी, तभी से उनके मन में उसे पाने का विचार जाग गया था। और पद्मावती को पाने के लिए वे घर से चले गए हैं। उनके जाने से जो रानी नागमती है उसको बड़ा दुख है, बहुत वियोग के कठिन समय को वह बिता रही है। नागमती को ऐसा लगता है कि वे किसी अन्य युवती के प्रेम जाल में बंध गए हैं। पति के समीप रहने पर जो प्रकृति उन्हें सुखकारी लगती थी, अब वही पति के दूर हो जाने पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा पीड़ादायक लगती है। और अब करते हैं इसकी व्याख्या। तो देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो आदिकाल और भक्ति काल तथा रीति काल, इन तीन कालों के समय जो कवि हुए हैं, उन दिनों एक काव्य परंपरा बहुत लोकप्रिय थी और वह थी 12 मासा का वर्णन और ऋतु वर्णन। 12 मासा का वर्णन है कि जो साल के 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, कुंवार,
कार्तिक अगहन माघ पौष फाल्गुन। तो ये जो 12 महीने हैं, प्रत्येक महीने का क्या प्राकृतिक स्वरूप है, उसका कैसा समय है, कब ठंड है, कब गर्मी है, कब पतझड़ है, कब जो है वो बहार है, इसके आधार पर वो अपनी नायिका के सुख का दुख का जो है वो साम्य प्रकट करने की एक परंपरा उन्होंने चलाई थी। दूसरी है ऋतु वर्णन। 6 ऋतुएं होती हैं, तो षट ऋतु वर्णन के तौर पर हमको ये दूसरी परंपरा भी मिलती है कि पावस ऋतु में, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, और इसी तरह की जो छठवीं ऋतु है, उन सबको मिला करके उसका जो प्रभाव होता है वो नायिका के क्रियाकलापों पर कैसे पड़ता है। तो प्रकृति के साथ नायिका का, नायक का, परिस्थितियों का एक तालमेल बना करके चीजों को प्रस्तुत करने की परंपरा थी। यहाँ पर 12 मासा को अपनाया गया है जो हमारे सामने कोर्स में है, और उसमें अगहन महीने का वर्णन चल रहा है। अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, अगहन का महीना आ गया। अगहन के महीने में दिन का जो कार्यकाल होता है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, देर से दिन निकलता है, सूर्यास्त जल्दी होता है, और रात बड़ी हो जाती है, जल्दी से अंधकार छाता है, और प्रातः काल देर से होता है। तो ये अगहन माह की विशेषता है। दूभर रैन जाय किम गाढ़ी, अब जबकि रात और बड़ी हो गई है तो नागमती कह रही है कि दिन तो किसी तरह व्यतीत हो जाता है, कोई ना कोई बहाना मिल जाता है समय को काटने का, लेकिन जब रात का एकांत होता है, अंधेरी रात होती है, साथ में कोई सखी सहेली भी नहीं होती, तब उसको बिताना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यह विरह भार राती, ज्यों विरह जस दीपक बाती। अब वो कहती हैं आगे दूसरी पंक्ति में कि असल में जो मेरा विरह है, पति के साथ जो वियोग है, वही एक निरंतर भयानक काली और विस्तृत रात्रि में बदल गया है। इस विरह की अग्नि में मैं उसी तरह जल रही हूं जैसे दीपक की बाती जलती है। कांपे हिया जनावे सिव, हृदय कांप रहा है और ठंड बहुत लग रही है, महसूस हो रही है। जनावे यानी फील होना, महसूस होना। तोपे जाए होए संग पियो, ये शीत, ये कंपन तभी जाएगा जब साथ में प्रिय हो। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। वे कहते हैं घर घर में स्त्रियां अपने पतियों के साथ, प्रेमियों के साथ आनंद मना रही हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्र पहन रही हैं, लेकिन मेरा तो सारा रूप रंग मेरे नाथ राजा रत्नसेन ले जा चुके हैं, तो मेरे जीवन में न रंग रह गया, न रूप रह गया, न सुख रह गया, न आनंद रह गया, न उत्साह रह गया। पलटी न बहुरा गाज बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। वह मेरा प्रियतम राजा रत्नसेन एक बार यहां से गए तो फिर दोबारा लौटकर उन्होंने इस तरफ का अपना आगमन किया ही नहीं, लौटे ही नहीं। अब भी अगर वो लौट आए तो मेरा रंग रूप भी वापस आ सकता है। बज अगेने बेरहन ही अजारा, सुलग सुलग दग्ध होई छारा। ये जो वज्र अग्नि के समान विराट अग्नि धू धू करके जलती हुई आग है विरह की, इसने मेरे हृदय को जलाकर खाक कर दिया है, और ये अंगारों की तरह सुलग सुलग करके और धीरे धीरे
राख में बदल रही है। यह दुख दर्द न जाने कंतु जोबन जरम करे भस्मंतु। लेकिन मेरे इस दुख को, मेरी इस पीड़ा को, मेरे इस दर्द को मेरा प्रियतम कंत यानी पति नहीं जानता। उसे इस तरफ से कोई ध्यान नहीं है उनका इस तरफ, और उनके इस वियोग ने मेरे यौवन को, मेरे जन्म को, दोनों को ही भस्म कर दिया है, जलाकर राख कर दिया है। पीयूषो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिर है जर मुई, तेही धुआं हम लाग। नागमती अपने विरह में, अपने वियोग में व्याकुल होकर के, अपना होशो हवास खोकर कौए और भौरे से कह रही है, अरे भौरे, अरे कागा, सुनो, तुम जाओ, तुम उड़ सकते हो, तुम जो है एक लंबी दूरी तक पहुंच सकते हो, तो जाओ मेरे प्रिय को खोजो और उन्हें बताओ कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी स्त्री तुम्हारे वियोग में इस तरह से जल रही है कि उसका धुआं लगने से हमारा ये शरीर काला पड़ गया है। देखिए, कौआ भी काला होता है और भंवरा भी काला होता है, तो कवि ने उनके इस रंग को, उनके उड़ने की क्षमता को किस तरह से अपनी इस कविता में प्रयोग किया है और नागमती के विरह के दुख को किस तरह से उन्होंने इन आलंबनों के जरिए और ज्यादा गहराई से अभिव्यक्त करने में सफलता पाई है। तो अब हम आते हैं काव्य सौंदर्य पर कि आखिर इन इस वाले पद में क्या काव्य सौंदर्य है, पद लालित्य क्या है, शिल्प सौंदर्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसकी रचना अवधी भाषा में हुई है, दूसरा दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है, तीसरा अब यह विरह भार राती, इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि विरह को रात बना दिया गया, चौथा है जरों विरह जय दीपक बाती, तो जस आया है जैसे, तुलना हो रही है उपमा अलंकार, और पूरे पद में वियोग श्रृंगार रस है, इसमें करुणा है, माधुर्य है, भाव सौंदर्य। जैसी निर्गुण धारा के प्रेमाशय शाखा के कवि थे, परमात्मा के वियोग में आत्मा की दशा कैसी होती है उसे ही उन्होंने नागमती के रूप में चित्रित किया है। ये पहला पद हुआ और अब हम शुरू करते हैं बारहमासा का दूसरा पद। पहले पद देखते हैं, पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जाए लंका दिस चापा, बिरह बाढ़ दारुन भा सीव, कपि कपि मरों ले हरि जीव, कंत कहां लागो ओही हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, सौर सपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, चकई निस बिछुरे दिन मिला, हो दिन रात बिरह कोकिला, रैन अकेली साथ नहीं सकी, कैसे जिए बिछोही पंखी, बिरह सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाय और मोय न छाड़ा, रकत ढरा मास गरा, हाड़ भयउ सब संक, धन सारस होय रर मुई, पीऊ समेटहीं पंख। ये था दूसरा पद, इसके शब्दार्थ देखते हैं। सूरज यानी सूर्य, लंका दिशी यानी दक्षिण दिशा, दारुण यानी कठिन, हियर यानी हृदय से, सौर यानी ओढ़नी, सपेती यानी हल्की, हिवंचल यानी हिमालय की बर्फ में, चकई यानी मादा चकवा, विरह सचान यानी वियोग रूपी बाज पक्षी, रकत यानी खून
और जरा गरा यानी गल जाना। संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा, इसलिए उसको हमको दोबारा लिखने की या बताने की जरूरत नहीं है, पर परीक्षा में आए तो आपको लिखना है। अब इसका हम लोग भावार्थ देखते हैं। पूस जाड़ थर थर तन कांपा। अब पूस का महीना आ गया, पूस यानी पौष, जब सबसे ज्यादा तेज ठंड पड़ती है। प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात है, उसको याद कर लीजिए। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, नागमती कहती है अब पौष का महीना आ गया और उसमें इतनी ठंड पड़ रही है कि मेरा यह दुर्बल शरीर थर थर कांप रहा है। सूरज जाए लंका दिस चांपा, और इस महीने में सूर्य भी अपना ताप नहीं देता, वह भी रावण की लंका वाली दिशा में यानी दक्षिण दिशा में जाकर कहीं छुप गया है। विरह बाढ़ दारुण भा सीव, विरह वियोग भी बढ़ा और ठंड भी बढ़ी, दोनों दो तरह से तकलीफें हो रही हैं, पीड़ा हो रही। दुबले पे दो असाड़ वाला मुहावरा याद आ रहा कि एक तरफ से वियोग की तकलीफ, दूसरा कठिन शीतकाल। कप कप मरो ले हरि जीव। अब मैं लगता है कि इस ठंड में कांप कांप के ही मर जाऊंगी और यह शीतकाल मेरे प्राणों को हर लेगा। कंत कहां लागो ओई हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। मेरे प्रिय न जाने कहां हैं, अगर यहां होते तो मैं उनके हृदय से लग जाती, हृदय से चिपट जाती और इस तरह इस ठंड से, शीतकाल से, वियोग काल से अपनी रक्षा कर लेती। पंथ अपार सूझ नहीं नीरे, परंतु इस समय तो ये स्थिति है कि रास्ता जो है न जाने कितना विराट है, कितना विशाल है, कितनी दूर चलना है, और ठंड के समय कोहरा पड़ने से निकट का तो सूझता नहीं है, दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक के जाने के लिए, देखने के लिए कैसे मैं सक्षम हो सकती हूं। सौर सपेती आवे जूड़ी, वो कहती है ओढ़ने के लिए जो मेरे पास वस्त्र है, चादर है, वह बहुत ही पतला है। जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, और ये जो शैया है, बिस्तर है, ऐसा लगता है किसी ने हिमालय की बर्फ में डुबो कर और फिर लाकर यहां मेरे लिए बिछा दिया है। चकई निस बिछुरे दिन मिला, फिर एक दृष्टांत सामने आता है। वे कहती हैं कि मुझसे अच्छी तो चकवा मादा पक्षी है, क्योंकि वह रात्रि में नर चकवे से बिछुड़ जाती है, लेकिन दिन में उसका फिर से अपने नर के साथ मिलन हो जाता है। हो दिन रात बिरह कोकिला, लेकिन मेरी स्थिति दूसरी है, मैं तो दिन और रात दोनों ही कोयल के समान कुहू 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 कर करके मैं चिल्लाती चीखती मर रही हूं, मेरे सामने मिलन का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। रहने अकेली साथ नहीं सकी, अब रात आ गई और इसमें मैं अकेली हूं, मेरी सखियां भी जो दिन में मेरे साथ थीं अपने अपने घरों को चली गई हैं। कैसे जिए बिछोई पंची, अब ये वियोग में जो पड़ गया है ये प्राण रूपी पखेरु, ये नागमती का जीवन कैसे बचेगा, कैसे जिंदा रहेगा, कहा नहीं जा सकता। बिरह सचान भयउ तन जाड़ा, ये वियोग तो मेरे लिए बाज पक्षी के समान हो गया है। जियत खाए और मोए न छाड़ा, ये बाज पक्षी जिंदा रहते हुए भी मुझको, मेरे शरीर को खाए डाल रहा है और मरने के बाद भी
लगता है ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मृत देह को भी खा जाएगा। रकत धरा मांसु गरा हाड़ भयउ सब संक, धन सारस होए रर मोई पीऊ समेट पंख। नागमती कहती हैं शरीर का सारा खून सारा रक्त आंसू बन बन करके बह गया, मांस शरीर का गल गया, हाड़ भयउ सब संक और जो हड्डियां हैं वो भी संख की तरह भुरभुरी हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। धनी सारस होए रर मोई, और ये स्त्री धनी यानी स्त्री, ये स्त्री सारस पक्षी की तरह रट रट कर चीख चीख कर मरने वाली है। और जब मेरे प्रिय कभी आएंगे, अगर उम्मीद तो दिखती नहीं पर अगर आएंगे तो उन्हें मेरे केवल पंख मिलने वाले हैं, ना शरीर मिलेगा ना आत्मा मिलेगी ना प्राण मिलेंगे ना नागमती मिलेगी, उन्हें केवल उनके हाथों में चंद पंख ही उनके हाथ लगने वाले हैं। ये व्याख्या थी। अब हम इसके जो हैं वो संदर्भ और काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य देखेंगे। तो देखिए इसमें जानहु सेज हेवंचल बूढ़ी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि जानहु शब्द आया है, मानो मेरी सेज को हिमालय की बर्फ में डुबाकर ठंडा किया गया है तब मुझे यहाँ सोने के लिए उपलब्ध कराया गया। चकई निस बिछुरे दिन मिला हो दिन गति बिरह कोकिला, इसमें दृष्टांत अलंकार है चकवा पक्षी का और कोयल पक्षी का उदाहरण है। बिरह सचान भयउ तन जाड़ा रूपक अलंकार है, विरह को बाज पक्षी बनाया। धनी सारस होय ररिमुई उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें स्त्री को की तुलना सारस से हो रही है। और पूरे पद में वियोग श्रृंगार रस है, करुण रस भी है, माधुर्य गुण है, तो ये इसका शिल्प सौंदर्य हुआ, काव्य सौंदर्य हुआ। और अब भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य जैसा पहले हमने देखा था वही रहेगा। और अब आखिरी और तीसरा पद, लगेऊ माघ परे अब पाला बिरहा काल भयउ जड़ काला, पहल पहल तन रुई झांपे हहर हहर अधिको ही कांपे, आह सूर होए तपुरे नाहा तोह बिन जाड़ न छूटे माहा, एहि माह उपजे रस मूलू तू सो भौर मोर जोबन फूलू, नैन चुवई जस महवट नीरू तेहि बिन अंग लाग सर चीरू, टप टप बूंद परही जस ओला बिरह पवन होई मारे झोला, केहिक सिंगार को पहुर पटोरे पटोरा गिव नहीं हार रह होई डोरा, तुम बिन कांपे धन हिया तन तिरुवर भा डोल तेहि पर बिरह जराई के चह उड़ावे झोल। कठिन शब्द देखते हैं, जड़ काला यानी मृत्यु, नाहा यानी पति, रसमूलू यानी जो पौधों के जड़ होती है उसमें रस इसी महीने में आता है, नीरू यानी पानी, झोला यानी झकझोरना, गीव यानी गर्दन, पटोरा यानी रेशमी कपड़े। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या देखते हैं। लागेउ माघ परे अब पाला, अब माघ का महीना आ गया तीसरा, और इस महीने में अब पाला पड़ता है, कोहरा पड़ता है। बिरहा काल भयउ जड़ काला, विरह का यह समय मेरे लिए मृत्यु का समय हो गया है। पहल पहल तन रुई झांपे, ठंड से बचने के लिए रुई कपास
के अनेक तहें बना बनाकर नागमती उसको ओढ़ना चाहती हैं ताकि उनकी ठंड मिट सके। हहरे हहरे अधिको ही कांपे, पर हो उल्टा रहा है, ठंड दूर नहीं हो रही बल्कि ठंड की शीतल लहरें शरीर में उठती हैं और हृदय और भी ज्यादा कांप रहा है। आह सूर होए तपुरे नाहा, और जो सूरज है वो भी ऐसा ठंडा हो गया है, कमजोर हो गया है कि उससे थोड़ा बहुत जो गर्मी मिल सकती थी वो भी नहीं मिल रही। तेही बिनु जाड़ न छूटे माहा, उसके बगैर इस महीने में पड़ने वाला जाड़ा ठंड दूर होने वाली नहीं है। यही माह उपजे रस मूलु, इसी माह में पौधों की जड़ों में रस पैदा होता है। तू सो भौर मोर जोबन फूलु, हे प्रिय तुम भौरे के समान हो और मेरा यौवन एक फूल की तरह है। तुमने भौरे की तरह फूल का रस तो चूस लिया और रस चूस कर उड़कर दूसरे फूल की तरफ भाग गए। नैन चुबही जस महबट नीरू, अब मेरी आंखों से लगातार इस तरह आंसू टप टप गिरते रहते हैं जैसे महुए के पेड़ से महुए के फूल रात भर टपकते रहते हैं। तही बिन अंग लाग सर चीरू, और तुम्हारे बिना मेरे शरीर में पूरी तरह से एक दुर्बलता आ गई। टप टप बूंद परही जस ओला, मेरी आंखों से बूंदें इस तरह टपकती हैं जैसे ओले गिर रहे हो, बाहर ठंडे गार तकलीफ देने वाले ओलों की बरसात होती है ऐसे आंसू की हो रही है। विरह पवन होई मारे झोला, और विरह जो है वो वायु बन करके मेरे इस दुर्बल शरीर को झकझोर रहा है। कह के सिंगार को पहुर पटोरा, अब मैं किसके लिए सिंगार करूं, किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं, गीव नहीं हार रही हुई डोरा, गर्दन में एक हार का वजन भी सहा नहीं जाता, एक धागा मैंने डाल करके किसी तरह अपने गर्दन को बचा रखा है। तुम बिनु कांपे धन हिया तन तीव्र भर डोल, नागमती कहती हैं कि हे राजा रतनसेन, तुम्हारे बिना मेरा हृदय कांप रहा है और शरीर वृक्ष के समान हवा चलने पर इधर उधर डोल रहा है। तही पर बिरह जराई के चहे उड़ावे झोल, और उस पर इतना है ही, और उस पर एक और जो तकलीफ है वो क्या है कि विरह मुझको जला करके और मेरी राख को हवाओं में उड़ाना चाहता है। तो ये जो है इसकी व्याख्या हुई, और अब हम इसका देखेंगे काव्य सौंदर्य। तो इसमें एक पंक्ति आई है, विरह काल भयउ जड़ काला, उपमा अलंकार है। पहल पहल तन रुई झांपे, हहर हहर अधिको ही कांपे, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार दोनों हैं। पुनरुक्ति क्यों है, पहल पहल दो बार आया, हहर हहर दो बार आया, और इन्हीं में पावर्ण दो बार आया, हावर्ण दो बार आया, तो अनुप्रास हो गया और शब्दों के रिपीट होने से पुनरुक्ति। तीसरा, आय सूर होय तपुरे नाहा, रूपक अलंकार है। तू सो भौर मोर जोवन फूलू, इसमें भी रूपक है कि तुम जो है वो भौरे के समान हो और मैं जो मेरा जो यौवन है वो फूल हो गया है। नैन चुबई जस महवट नीरू, उपमा अलंकार है, तुलना हो रही है। टप टप बूंद परई जस ओला, फिर उपमा अलंकार है, जस जैसे।
बिरह पवन होई मारे झोला, रूपक अलंकार बिरह को पवन बनाया। तही पर बिरह जराई के चहे उड़ावे झोल, अतिशयोक्ति अलंकार है, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कवि ने विरह वर्णन किया है। पूरे पद में वियोग श्रृंगार रस है, करुण रस भी है और माधुर्य गुण है क्योंकि मधुर शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाव सौंदर्य पहले की तरह होगा। तो यह था मलिक मोहम्मद जायसी की कविता बारहमासा के शब्दार्थ संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य वाला एपिसोड। आपसे अनुरोध है कृपया से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।